हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ SOF ओलंपियाड क्लास फोर्थ के मैथ ओलंपियाड के मॉडल पेपर 2022-23 के लिए, जिसे मैं क्वेश्चन के साथ सॉल्व भी करते जाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले इसके सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न्स को भी समझ लेते हैं। ये 2022-23 के लिए सिलेबस एंड एग्जाम है, ये क्वेश्चंस पेपर हैं। इसमें टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 35 रहते हैं और क्वेश्चन पेपर चार सेक्शन में बटे रहते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, एवरीडे मैथमेटिक्स एंड अचीवर सेक्शंस। लॉजिकल रीजनिंग से 10 क्वेश्चन आते हैं और मार्क्स पर क्वेश्चन 1 रहते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग से 10 क्वेश्चन मार्क्स 1, एवरीडे मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चंस रहते हैं, 1 मार्क्स होते हैं एंड अचीवर सेक्शन से 5 क्वेश्चन एंड 2 मार्क्स पर क्वेश्चंस रहते हैं। चलिए इसके सिलेबस समझ लेते हैं। सिलेबस सेक्शन 1 में पैटर्न, अल्फाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, रैंकिंग टेस्ट, मिरर इमेज, जियोमेट्रिकल शेप एंड सॉलिड्स, इंबॉडेड फिगर, डायरेक्शन, सेंस टेस्ट, डे एंड डेट एंड पॉसिबल कॉम्बिनेशन, एनालॉग एंड क्लासिफिकेशन। सेक्शन 2 मैथ्स के जो हमारे बुक के सिलेबस होते हैं CBSE, वही सिलेबस रहते हैं। न्यूमरस एंड नंबर नेम, नंबर सेंस, मोर देन 4 डिजिट नंबर, कंप्यूटेशन ऑपरेशन, फ्रैक्शन, लेंथ, वेट, कैपेसिटी, टाइम, मनी, जियोमेट्री, पैरामीटर ऑफ वेरियस शेप, सीमेट्री, कन्वर्सेशन, डेटा हैंडलिंग एंड सेक्शन 3 सिलेबस एज पर सेक्शन 2 एंड सेक्शन 4 हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन सिलेबस एज पर एज सेक्शन 2। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन का पैटर्न देख लेते हैं, किस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। पहला क्वेश्चन हम लॉजिकल रीजनिंग से देखते हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर मैं आपको 3 क्वेश्चन बता रही हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन गिवन फिगर। इस फिगर में कितने ट्रायंगल्स हैं? तो चलिए सबसे पहले हम काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब हम यहाँ ले लेते हैं 7, 8, 8 के बाद हो जाता है हमारा ये 8 हो गए। और फिर हम दूसरे कलर से ले लेते हैं, ये हो गया 9 एंड ये हो गया 10। तो टोटल नंबर्स ऑफ रेक्टेंगल्स जो है यहाँ पे 10 है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, देयर इज सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन फिगर 1 एंड 2। सर्टेन रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में। ये मैं चाह रही हूँ ये डिलीट हो जाए, लेकिन दिक्कत हो रही है। चलिए आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये काम नहीं कर रहा है। नंबर 2, देयर इज एस्टैब्लिश सिमिलर रिलेशनशिप बिटवीन फिगर 3 एंड 4 एंड सेलेक्टिंग द सुटेबल फिगर फ्रॉम ऑप्शन विच विल प्लेस क्वेश्चन मार्क फिगर 4। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें कौन सा यहाँ पर देख पा रहे हैं हम, ये हमारा ट्रायंगल है। ट्रायंगल में हमारा देखिए डॉट, एरो एंड एस्टिक का साइन है। तो एरो जो है नीचे आ जा रहा है, एस्टिक ऊपर जा रहा है, डॉट इधर जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार ये एक एक बॉक्स आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये जो सिंबल जो है ये क्या हो रहा है, देखिए यहाँ से ये एक बॉक्स नीचे, फिर इधर, फिर इधर, एक एक बॉक्स आगे बढ़ते हुए क्लॉक वाइज जा रहे हैं। तो ये फिर हमारा यहाँ एरो आ गया। इसी प्रकार इसमें हमारा क्या हो जाएगा, फिर
ये एरो जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा और ये एस्ट्रिक का साइन यहाँ आ जाएगा, ये गोल राउंड जो है ब्लैक है ये इस बॉक्स में आ जाएगा और एस जो है ऊपर वाले बॉक्स में आ जाएगा। तो इस तरह का ऑप्शन जो है, ऑप्शन देख लीजिए, ये ऑप्शन डी में है तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के सम लेटर आर गिवन विच इज द न्यूमरल 1, 2, 3, 4, 5 and 6 फॉलो बाय द 4 ऑप्शन कंटेनिंग कॉम्बिनेशन ऑफ दिस नंबर्स। फाइंड द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स शो दैट लेटर्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंगली टू फॉर्म ए मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड। ये नंबर्स दिए गए हैं, इसको मीनिंगफुल वर्ड्स हमें बताना है। यहाँ है एन ओ एल ई डी जी, इससे कौन सा वर्ड बन रहा है? तो इससे हम वर्ड बना सकते हैं इंग्लिश में गोल्डन, जी ओ एल, फिर यहाँ हो जाएगा डी ई और ई एम, ये क्या हो गया गोल्डन। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर्स हमें नोट करना है। तो जी के लिए यहाँ पे क्या आ रहा है 6, फिर ओ के लिए क्या हो रहा है 2, एल के लिए 3, डी के लिए हमारा हो रहा है 5 और ई के लिए हो रहा है 4 एंड 5 के लिए 1। ये सीरियल नंबर हमारा किस में आ रहा है 6, 2, 3, 5, 4, 1, 6, 2, 3, 5, 4, 1 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 मैथमेटिकल रीजनिंग से हो रहा है हमारा। डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 एंड 5 इज द नंबर गिवन बिलो। 4 एंड 5 प्लेस वैल्यू है, इसमें कितना डिफरेंसेस आता है? तो प्लेस वैल्यू लिखने के लिए जो भी हमारा नंबर रहता है उसके बाद जितने डिजिट रखते हैं उसमें हम उतने जीरो डाल देते हैं। तो 4 के कितने डिजिट हैं 1, 2, 3, 4, 5, या 5 जीरो हो जाएगा 1, 2, 3, 4 and 5। अब 500 है तो 5 यहाँ पर नीचे आ जाएगा और यहाँ 5 के बाद 2 डिजिट है तो 2 डिजिट हो जाएगा और इसको हमको करना है माइनस। माइनस करेंगे तो क्या होगा, 0 का 0, फिर 0 का 0, यहाँ 0 में से 5 नहीं जाएगा तो 4 में से लेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा 9, 9 और यहाँ हो जाएगा 10, 5 में से तो 10 में से 5 गया 5 और ये 9 और ये भी हमारा 9 हो गया और 4 की जगह हमारा क्या हो गया था, एक माइनस कर दिए थे तो 3, तो आंसर क्या हो गया 3995 00। तो 3995 00 ये ऑप्शन हमारा है आ रहा है ऑप्शन बी, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर आप 5 समझेंगे। द गिवन फिगर इज मेड ऑफ 3 रेक्टेंगल्स, फाइंड द लेंथ सीधे। यहाँ पे देखिए 3 रेक्टेंगल्स बना हुआ है, 1 रेक्टेंगल्स, ठीक है, ये हो गया 2 रेक्टेंगल्स और ये हो गया 3 रेक्टेंगल्स, ठीक है। अब इसमें बताना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ सी डी, ये सी डी लेंथ हमें फाइंड करना है। तो हम देख रहे हैं एच और डी, ये पूरा लेंथ हमारा क्या हो रहा है 17 सेंटीमीटर हो रहा है और ये हमारा और बीच में ये, तो ये पूरा मिला के जो है ये आप ये देख रहे हैं ये और ये पूरा दोनों इक्वल है, ये 17 मीटर है और ये भी 17 सेंटीमीटर है। तो हमारा ये लेंथ हमें पता है, ये लेंथ पता है, बीच की ये डिस्टेंस हमें नहीं पता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 5 + 4 = 9, तो 17 - 9 हम करेंगे तो हमको क्या होगा 17 - 9 = 8, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 6, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 10 आर
टेयर फॉर्म 22-150, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, समझिए, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 10 और देयर मल्टीपल ऑफ 10 आर देयर 22-150, ठीक है। तो 20 से 150 के बीच में 10 से मल्टीपल कितने हो रहे हैं, 10 के टेबल कितने हो रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चलिए लिखना शुरू कर देते हैं। यहाँ 20 से लेना है तो यहाँ हम ले लेते हैं 30, 40, देखिए ये हम लिख नहीं पा रहे हैं, 50, ये पेंसिल अच्छा नहीं चल पा रहा है, मैं अभ्यस्त नहीं हूँ, 60, 70, ठीक है, 80, 90, 100, 110, 140 और 150, और यहाँ पे 20 भूल गए थे तो ये हो गया 20। अब इन सबको काउंट कर लेना है, तो कितना हो रहा है देख लेते हैं, काउंट कर लीजिए, चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, कितने हो गए 14, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 14। क्वेश्चन नंबर 7, एवरीडे मैथमेटिक्स से देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अ फ्लाइट फ्रॉम चेन्नई टू दुबई टुक ऑफ 4:45 आवर्स, इट लैंडेड टू दुबई एट 9:15 आवर्स, हाउ लॉन्ग वाज द फ्लाइट। दुबई से, चेन्नई से दुबई 4:45 पे लैंड होती है और दुबई पहुंचती है 9:15 पे, तो हाउ लॉन्ग वाज द फ्लाइट, फ्लाइट को कितना समय लगा चेन्नई से दुबई आने में, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए आप इस प्रकार कर दीजिए, जैसे 4:45 हो गया, ठीक है, तो 5:45, फिर 6:45, 7:45, 8:45 और ये हो जाता है 9:45, ठीक है, और यहाँ हो गया 9:45 यहाँ हम ले लेते हैं। अब ये देख लेते हैं कितने घंटे हो गए, 1, 2, 3, 4, 4 आवर्स ये हो गए। अब ये 45 मिनट्स और 9:15, तो 45 प्लस 15 करेंगे तो 9 हो जाएगा और 9:15 तो कितना हो गया 30 मिनट्स, तो 4 घंटे 30 मिनट, तो करेक्ट आंसर ही इसका जो हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, 4 घंटे 30 मिनट इसके ऑप्शन हो जाएंगे। इस तरह करके आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर, नंबर 8, द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन क्लास 40, 7 चिल्ड्रेन वर एब्सेंट इन मंडे, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल चिल्ड्रेन वर प्रेजेंट इन मंडे। अगर नंबर्स ऑफ चिल्ड्रेन टोटल जो है 40 हैं और 7 बच्चे जो है मंडे को एब्सेंट है, तो कितने बच्चे मंडे को प्रेजेंट है, तो इसके लिए क्या होगा, 40-7 तो कितने हुए 33 बच्चे प्रेजेंट है, तो 33/40 ये हम फ्रैक्शन में इस तरह लिख सकते हैं, तो करेक्ट आंसर ही जॉब से डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, अचीवर सेक्शन से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 जो है, पिंकू, रवि, ब्रजेश एंड रघु आर फ्रेंड्स, द ग्राफ शो द नंबर्स ऑफ टॉय कार ईच ऑफ देम हैव, व्हाट कैन बी कंक्लूड फ्रॉम द गिवन ग्राफ। देखिए ये ग्राफ दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग हमें देखना है। अब ये देखिए ब्रजेश द नंबर ऑफ टॉय कार कितना है इसके पास, 10 और 5, ये हो गए यहाँ पे 15, ब्रजेश के पास कितने हो गए 15, रघु के पास कितने हो रहे हैं 20, ठीक है, और रवि के पास ये कितने जा रहे हैं 30, और पिंकू के पास 40, ठीक है,
अब इसको क्वेश्चंस पढ़ते हैं। ब्रिजेस हैज वन थर्ड नंबर ऑफ टॉय कार पिंकू। ब्रिजेस के पास पिंकू के वन थर्ड है, 40 का वन थर्ड 15 होगा, नहीं दिस इज रॉन्ग। थ्री चिल्ड्रन हैव मोर देन 20 कार्स। तीन बच्चों को 20 से ज़्यादा कार है, नहीं दो बच्चों के पास 20 से ज़्यादा कार है, ठीक है 15 और 20 तो दो बच्चों को है ही सही। नंबर सी, रवि हैज ट्वाइस एज मैनी टॉय कार है ब्रिजेस हैज। रवि के पास ब्रिजेस का डबल है, तो ब्रिजेस को 15 कार्स हैं एंड रवि के पास 30 कार्स हैं, तो ये इसका डबल हो गया 15 एंड 15 30, यानी डबल कार्स हैं, तो दिस इज डायरेक्ट आंसर। नेक्स्ट सांची थिंक टू नंबर्स, चलिए इसको समझ लेते हैं क्या है। सांची थिंक टू नंबर्स, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इज 8, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज 128 एंड बोथ द नंबर्स आर इवन नंबर्स। तो ये आपको हिंट्स दिया गया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और इसमें हमें निकालना है कि क्या आंसर होगा। What the sum number? What is the sum of the value of number and value of a smaller number? Sorry. तो चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके मुझे बताइए किस तरह आप सॉल्व करेंगे। इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, आंसर है इसके 24 एंड 8। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, और प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक यू।